दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कॉम्पैक्ट बॉडी, अच्छा स्वभाव और खुश मजाजी के लिए मशहूर एक ऐसे छोटे डॉग जिसका नाम है पग। तो पग डॉग को लेकर आए हैं, यह अपनी विचित्र शक्ल के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पग की हिस्ट्री, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, पग की भारतीय मार्केट में कीमत और इसका मंथली एक्सपेंसेस। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति किस डॉग ब्रीड से हुई है इस बारे में काफ़ी विवाद है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि छोटे मुंह और घुमावदार पूंछ की अन्य डॉग ब्रीड्स की तरह पग का ओरिजिन भी चीन से ही हुआ है। तो 19वीं सदी के मध्य में हॉलैंड के रास्ते ब्रिटेन में इसका प्रवेश हुआ और चीन में ही यह ब्रीड विकसित हुई है। एक अन्य ब्रीड पेकिनिज के परिवार का ही यह दूसरा रूप है। कुछ लोग इसे बुलडॉग की क्रॉसिंग का नतीजा भी मानते हैं। दोस्तों इसका लैटिन भाषा में नाम पगनस से निकला है, इसका अर्थ होता है मुट्ठी। पग का मुंह बंद मुट्ठी की तरह होता है। इंग्लिश में पग शब्द उन डॉग्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है जिनका मुंह बंदर की तरह होता है। पग के शरीर को देखते ही दोस्तों हंसी आना स्वाभाविक होती है। इसका पूरा शरीर बड़ा ही मजाकिया और नाटकीय ढंग से बना हुआ है। इसका नाटा कद और झुर्रीदार काला मुंह ऐसा लगता है मानो इसका मुंह किसी काजल से ढक दिया हो। तो दोस्तों पग काफी चतुर और तेज बुद्धि का होता है तथा परिवार में एक सच्चे साथी की तरह अपना फर्ज निभाता है, लेकिन अनजान व्यक्तियों से दूरी बनाए रखता है। इसका शरीर कॉम्पैक्ट और लगभग चौकोर पाया जाता है। सिर इसका गोल भारी होता है, इस पर चौड़ी और गहरी झुर्रियाँ होती हैं, बड़े आकार की आंखें इसकी उभरी हुई रहती हैं। दोस्तों पग के कान बेलवेट की तरह बड़े ही मुलायम और छोटे पाए जाते हैं और इसकी पूंछ का घुमाव विचित्र होता है। पूंछ दो बार के घुमाव के साथ पीठ पर सटी हुई रहती है, मुंह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और इसका कलर ब्लैक होता है। शरीर पर छोटे महीन चिकने और चमकीले बाल पाए जाते हैं जो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही ऊन के जैसे होते हैं। दोस्तों पग के कलर्स में देखें तो सिल्वर, ऑरेंज, एप्रिकोट, लाइट येलो या ब्लैक पाया जाता है। पग की ऊंचाई 12 से 14 सेंटीमीटर इंच तक होती है और इसका वेट 6 से 8 किलोग्राम पाया जाता है। पग गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसमों को सहन करने की कम क्षमता रखता है, इसलिए इसको गर्मियों में और धूप से बचाव रखना आवश्यक होता है और ऐसी स्थिति में इसको ठंडे या एसी और खुशनुमा हवादार मौसम में ही रखा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा आंखों में आंसू भी इस पर काफ़ी गिरते हैं, इसलिए इसके आंखों की नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम पग को जानते हैं कि पग जो है इसको वोडाफोन डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि वोडाफोन के एड के अंदर इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। दोस्तों इस डॉग को खेलना कूदना बहुत ही पसंद है और ये एक फैमिली डॉग है, यह सभी के साथ बड़े अच्छे से घुल मिल जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यह बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है और इसको गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो दोस्तों हम देखें कि इंडियन मार्केट में इसकी प्राइस लगभग कितनी है, वो डिपेंड करता है कि हम इसको कहां से परचेज कर रहे हैं। तो यदि लोकल पेट शॉप से इसको ख़रीदते हैं तो इसकी कीमत लगभग 8000 से 12000 रुपए के बीच में आती है, और यदि हम इसे किसी अच्छे ब्रीडर से लेते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग 10000 से 25000 के बीच में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यदि इसके मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि पग जो है बहुत ही कम खाता है। यदि इसके हम नॉर्मल फूड की प्राइस पर आएं तो लगभग इसको 1500 रुपये पर मंथली इसका खर्चा आता है, और यदि इसके प्रीमियम फूड की बात करें तो लगभग 2500 रुपये पर मंथ इसका खर्चा बैठता है। इसके साथ ही इसको वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है और इसका वैक्सीनेशन लगभग 800 से 1500 रुपये पर मंथ बैठता है। साथ में इसको ग्रूमिंग, यदि ग्रूमिंग में देखें तो 500 से 1000 रुपये, जिसमें शैम्पू, ड्रेसेज वगैरह सभी आ जाते हैं। और यदि इसकी डीबर्मिंग जो ही बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से होती है, जो 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लगभग इसकी कॉस्टिंग आती है। तो दोस्तों यदि इसके मंथली एक्सपेंस को देखें तो नॉर्मल वे में यदि इसका मंथली एक्सपेंस लगभग 2000 रुपये के आसपास हो जाता है, और प्रीमियम यदि इसका एक्सपेंस देखा जाए तो 4000 रुपये पर मंथ आ जाता है। तो दोस्तों
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स अवश्य दें। आपके कमेंट्स से ही हम आपको नई नई वीडियोज़ और